दोस्तों, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को अभी भी भारतीय टीम का असली कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की पारी 157 रनों पर ऑल आउट कर दी। भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। उनके बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शुरुआत में ही 3 विकेट लिए। भारतीय टीम की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे पूरी न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। न्यूजीलैंड की तरफ से एकमात्र किन विलियमसन ने 64 रन बनाए, लेकिन जब किन विलियमसन बल्लेबाजी कर रहे थे तो सबको ऐसा लगा कि अब न्यूजीलैंड की पारी 250 रन के पार हो सकती है। इसी वजह से कप्तान कोहली थोड़ी चिंता में दिखाई दिए, लेकिन स्टंप के पीछे खड़े भारतीय टीम के मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी हमेशा की तरह शांत और ठंडे दिमाग से उनको आउट करने की तरकीब लगा रहे थे। उन्होंने अचानक से ही युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव को गेंदबाजी देने का निर्णय लिया। और अब सभी को तो पता ही है कि कप्तान कोहली कभी भी महेंद्र सिंह धोनी का निर्णय नहीं ठुकराते, और उन्होंने कुलदीप यादव को गेंदबाजी के लिए लाया। उसके बाद जो करिश्मा हुआ उसे देखकर सभी क्रिकेट प्रेमी आश्चर्यचकित रह गए। कुलदीप यादव ने आते ही 4 विकेट अपने नाम कर लिए। जिस तरह महेश धोनी उन्हें गेंदबाजी करने के लिए बता रहे थे, उस तरह उन्होंने गेंदबाजी करके पूरी न्यूजीलैंड की पारी को ही ऑल आउट कर दिया। इस तरह महेंद्र सिंह धोनी की बेहतरीन मार्गदर्शन की वजह से न्यूजीलैंड की पारी 200 का आंकड़ा भी नहीं छुपाई और ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से किस खिलाड़ी की वजह से न्यूजीलैंड की पारी इतने कम रनों पर ऑल आउट हो गई? महेंद्र सिंह धोनी, कुलदीप यादव या मोहम्मद शमी? आप उस खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट द्वारा जरूर दीजिएगा।